नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका डाउनलोडर एप्लीकेशन आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है फायर टीवी स्टिक के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियो जो मैंने पहले भी बनाए हैं, फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को देख करके आप वापस से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम और आ रही है, डाउनलोडर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में वो वर्क भी नहीं करता है, तो उसका भी जो है सोल्यूशन इसी में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास डाउनलोडर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो उसको सबसे पहले आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको फ्रेश इसको डाउनलोड करना है, लेकिन उससे पहले ध्यान रहे कि आपको जो है फायर टीवी स्टिक का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओएस अपडेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको फायर टीवी स्टिक के अंदर ऐप स्टोर में चले जाना है। ऐप स्टोर एक तरह का जो प्ले स्टोर होता है मोबाइल में, उसी प्रकार का ऐप स्टोर होता है। ऑफिशियली है दोस्तों, ये कोई इलीगल नहीं है या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है। तो सिंपली आपको जो है ऐप स्टोर सर्च करके उसमें चले जाना है। उसमें जाने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको सर्च का ऑप्शन दिया गया है, ऐप लाइब्रेरी दी गई है, फीचर्स, गेम और ऑल कैटेगरी दी गई है। तो सिंपली आपको दोस्तों ऑल कैटेगरी वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऑल कैटेगरी वाले पे क्लिक करते हैं ना, तो बॉटम साइड में आपको एक यूटिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपके ये ऊपर दिखा रहा हो या बॉटम साइड में दिखा रहा हो, जहाँ भी है ये ऑप्शन आपको मिलता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये रीलोड होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, नेट के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रंट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में डाउनलोडर एप्लीकेशन शो कर रहा है। तो सिंपली कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको डाउनलोड पे दबा देना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है और कुछ सेकंड्स का वेट करना है दोस्तों। कुछ सेकंड्स के बाद में जो है ये ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ अपन कहाँ कहाँ कर पाएंगे उसके रिगार्डिंग मैंने जो है पहले ही वीडियो बना रखी है, आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये वीडियो के बाद में एक वीडियो और आने वाला है, जिसमें आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप माउस टॉगल एप्लीकेशन को इसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वीडियो का वेट कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।